बातचीत करें वो ज़्यादा अच्छा है, ना कि मीडिया पर सियासी लोगों का बयान देना और उसको इशू बनाना, उसको हवा देना। मैं समझता हूँ इससे मुल्क का माहौल ख़राब होगा और इससे पढ़ाई का नुकसान होगा। जिस तरह से जो मौजूद तालिब इल्म हैं गेट पर ही रोका रोक दिया गया है, जितनी भी बुरखा पहने तालिब हाजिर करने वहाँ से, लेकिन अंदर क्लास में बुरखा नहीं अलाउड है। आप क्या मानते हैं कि ये आप पक्ष में हैं या समर्थन में? देखिए, इसमें इसके पक्ष में होना या इसके ख़िलाफ़ होना कोई बात नहीं है। ये कॉलेज ने एक अपना डिसीज़न लिया है कि हम ड्रेस कोड लागू कर रहे हैं, और वहाँ के पढ़ने वालों को ये सोचना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को वहाँ लेकर जाएं, उनसे बातचीत करें कि गेट पे बैठकर धरना देना या मीडिया में इस तरह की बयानबाजी करना या दूसरे पॉलिटिशियन का इस तरह से आकर बुरके के ख़िलाफ़ बयान देना, या ये मेरे हिसाब से अच्छी बातें नहीं है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। जिस तरह यहाँ से लगातार मीडिया पे बुरखे को लेकर चला, आपकी क्या अपील है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर, संविधान के अंदर, हर मज़हब को अपने मज़हब के हिसाब से जीने का पूरा पूरा इख्तियार है, अधिकार है, और जब तक ये इख्तियार और अधिकार है उसी वक्त तक हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान है। और जब यहाँ के लोगों से उनका इख्तियार छीन लिया जाए या उस पर पाबंदी लगा दी जाए, चाहे वो जिस मज़हब का भी हो, तो मैं समझता हूँ फिर मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। फिर उसके अंदर नफ़रतें पैदा होंगी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुराइयाँ पैदा होंगी। देखिए, अगर हमारा मुल्क पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और इसमें हमें आगे बढ़ना है और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है।